नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सचेंज स्पोर्ट्स और मैं हूं लक्ष्मण कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी ट्वेंटी मैच खेला गया, जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3 विकेट से जीत लिया। उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम जीत के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन अब भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहला ही टी ट्वेंटी मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस सीरीज में सिर्फ 2 ही मैच खेले जा रहे हैं टी ट्वेंटी के, और जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया अब दूसरा मैच जीतने के लिए खेलेगी। भारतीय टीम दबाव में है, और कितनी भारतीय टीम दबाव में है, आगे की परिस्थितियाँ कितनी भारतीय टीम के अनुकूल होंगी या भारतीय टीम के विपरीत जाएंगी, इसे सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी। सर, कल का जो मैच हुआ, एक तो रोमांचक मुकाबला था, लो स्कोरिंग मैच था। जसप्रीत बुमराह ने जो आज बात की, हम उम्मीद कर रहे थे 140-145 बनेंगे, लेकिन 15-20 रन हम कम बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने गेंदबाजी में बदौलत मैच को आखिरी ओवर के अंतिम गेंद तक पहुँचा कर रखा। भारतीय टीम ने पहला मैच तो गवा दिया, दूसरे टी ट्वेंटी मैच को आप किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे भारतीय टीम क्या वापसी कर सकती है? देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत ने वापसी की थी, कल के मैच में भी भारत ने वापसी की, और मुझे लगता है कि जो दूसरा टी ट्वेंटी होगा उसमें भी भारत की वापसी की उम्मीदें ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा जो टी ट्वेंटी है वो है चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर, और बैंगलोर की विकेट सभी जानते हैं कि बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए नर्क जाती है। ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सॉरी माफ कीजिए, गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत के पास पिच हिटर्स नहीं। अगर आप देखें तो ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा इस रेस में आगे था भारतीय बल्लेबाजों में, ऋषभ पंत को जरूर रखा पिच हिटर के तौर पर, लेकिन आपको अपनी गेम को दिखाना पड़ेगा। आपको जो गेम दिखा रहे हैं आप लिटरली, अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। विराट ने कल मैच से पहले ये बात कही थी कि हम केएल राहुल और ऋषभ पंत को और ज़्यादा मौके देना चाहते हैं, और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिया है। वॉट इफ अगर ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल भारत के लिए सरदर्द बनी है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारत भारतीय टीम ने कल गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, ऐसा नहीं है, बल्लेबाजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का सबब बन रही है। जैसे जैसे हम वर्ल्ड कप के पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो बल्लेबाजी है वो खराब होती चली जा रही है। अगर आप देखें पिछले 2-3 महीने में इतना इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिला है कि फिर भारतीय टीम वापसी बहुत मुश्किल से कर पाती है। महेंद्र सिंह धोनी टिकट एक गेंद पकड़ के रखा था, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अब धोनी को भी एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर आप, हम मानते हैं कि आपका दारोमदार है, आप गेम को एंड तक लेकर जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा तेज खेलना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप 30-35 बॉलों में 20-28 रन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जब भारत जब मैच खत्म करने के बाद गया होगा ड्रेसिंग रूम में, तो टीम यही बात करेंगी यार 1-2 रन से हम शॉर्ट हो गए, अब हम मैच जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को भी सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ियों को आइडिया भी है खेलने का, यहाँ पर आईपीएल भी, आईपीएल के मैचेस भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंगलोर में भारत एक बेहतर तैयारी के साथ, बैंगलोर में उम्मीद भी हम करते हैं कि भारतीय टीम बेहतर तैयारी के साथ उतरे, और कम से कम इस सीरीज को भारतीय टीम अब जीत नहीं सकती तो बचा दे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेंगे? शिखर धवन पहले टी ट्वेंटी मैच से बाहर हैं, स्क्वाड में शामिल है। केएल राहुल को ओपनर के तौर पर मौका दिया गया, शानदार तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, सिर्फ 35 गेंदों में 50 रन बना लिए, लेकिन 36वीं गेंद पे आउट भी हो गए। आपको लगता है कि केएल राहुल दूसरा मैच एज ओपनर खेलेंगे या फिर स्क्वाड में रहेंगे? शिखर धवन की यहाँ पर वापसी है, मुझे लगता है कि केएल राहुल का खेलना तय है, क्योंकि उनको जिस हिसाब से मैसेज देते जाएंगे, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, मतलब कि यहाँ पर केएल राहुल कोई खराब बल्लेबाजी, उन्होंने जो बल्लेबाजी कल की है वो भी, और उस शैली के लिए वो जाने जाते हैं। केएल राहुल अगर एक बार अपने फ्लो में हो तो उनको दूसरा विराट कोहली कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर केएल राहुल को अगर एक बार ब्रेक मिल चुका है, अगर वो रन कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से भारतीय टीम उनको कॉन्फिडेंस दिलाने में लगी हुई थी, जो कॉन्फिडेंस कल वापस आया, तो कहीं ना कहीं अब केएल राहुल की फॉर्म से भारतीय टीम कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर राहुल है वहाँ पर तो मुझे लगता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में राहुल खेलेंगे, बैंगलोर टी ट्वेंटी में राहुल खेलेंगे, और हो सकता है कि रोहित शर्मा को रेस्ट देकर शिखर धवन को ट्राई कर लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फ्लो है, क्योंकि रोहित शर्मा विश्व रिकॉर्ड से भी 2 कदम दूर है फिलहाल, तो रोहित शर्मा को रेस्ट तो नहीं दिया जाएगा। शिखर धवन दूसरे टी ट्वेंटी से भी बाहर, वनडे सीरीज में भी है, अभी टाइम है, तो शिखर धवन को आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल को कॉन्फिडेंस दिलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जब वर्ल्ड कप जाओगे तो आप एक अच्छी फॉर्म के साथ जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि फिलहाल बार नहीं करेंगे।
राउंड को ड्रॉप नहीं करेगा, मे भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को रेस्ट देने की बात कर रहे हैं, चांसेस बेहद कम लग रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा भी पिछले मैच में सिर्फ 5 रन बना के आते थे, तो उनका भी कॉन्फिडेंस वापस भारतीय टीम जैसी बाजी खिलाना चाहेंगे। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जरूरत है भारतीय टीम की, क्योंकि रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में रहे, वर्ल्ड कप तक शानदार फॉर्म में रहे, उनकी परफॉर्मेंस से कोई खिलाड़ी नहीं बचती जाएगी। अगर शिखर धवन भी बहुत मजबूत है बैकअप बैट्समैन के तौर पर, स्केल राउंड अगर दो तीन मैचों में ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो अपना जगह फाइनल कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली तीसरे नंबर पर जाए इसके बाद खेलने उतरेंगे, चौथे नंबर पर ऋषभ पंत पहले मैच में ट्राई किए गए, रनआउट हो गए, 3 रन बनाकर चले गए। अगर ऋषभ पंत अपना प्रॉपर मैच खेलते, अगर रनआउट ना हो जाते वहाँ पर, तो हम उम्मीद कर सकते थे कि वहाँ पर अच्छे खासे हिट्स लगते। लेकिन अगर दूसरे मैच में मौका मिलता तो ऋषभ पंत से आपकी उम्मीदें कितनी ज़्यादा है? ऋषभ पंत को मुझे लगता है सिर्फ टी ट्वेंटी भी नहीं बल्कि टी ट्वेंटी सीरीज में भी उनको देखना बाकी है, क्योंकि वह उन पर बहुत ज़्यादा दावेदार है, उनको हम इसलिए लेकर आए हैं, उनका भरोसा हम इसलिए जता रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट में ऐसी पारियाँ खेल चुके हैं जो वनडे क्रिकेट में वो खेल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कई दफ़ा आपको 350-360 चीज करने पड़ जाए तो वहाँ पर ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो है वो आपको मैच जिताकर दे सकता है, लेकिन ऋषभ पंत को भी हम अपनी विकेट जो ये थ्रो करके जा रहे हैं ये सीखना पड़ेगा कि मैं अपनी विकेट क्यों फेंकता हूँ, मैं एटलीस्ट एक पार्टनरशिप बिल्ड करो, आप फिर आपको कमजोर गेंद पर मिलेंगे, आप उस पर शॉटें खेलो। कल ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ग्लेन मैक्सवेल अलग शैली के लिए जाते जाते हैं, 30,000 पारी खेली उन्होंने, लेकिन मैक्सवेल ने भी खराब गेंदों का वेट किया, उनको पता था कि भाई आपको 127 फेस करनी है, तो यहाँ पे साफ तौर पर एक चौका और वो सिंगल रहे थे, वो पूरा रहे से सिंगल यही बात कही। तो जब आप लो स्कोरिंग मैच खेलते हो तो वहाँ पर आपको गेंदबाजी डिपेंडेंट होती है, लेकिन जहाँ पर आपको हाई स्कोर बनाना होता है, यहाँ पर आपको बड़े स्कोर बनाने होते हैं, वहाँ पर भी आपके बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर थोड़ा सा भी गेंदबाजों को मदद मिलती है वहाँ भारतीय टीम पूरी तरह से परास्त होती है। आपके पास अच्छी गेंदबाजी है लेकिन गेंदबाज आपको मैचेस तब जिताएंगे जब आपके बल्लेबाज आपको कम से कम कुछ रन तो आप बोर्ड पर दोगे, 125-126 आप नहीं मजा नहीं कर सकते। इतना लो स्कोरिंग मैच आज तक टीम इंडिया ने कभी नहीं जीता है, इतने लो स्कोरिंग मैच तो कल भी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने 16 रन लिए, 4 ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, अच्छी गेंदबाजी की, पहल ने की, उमेश यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की, भले ही वो आखिरी ओवर में 14 रन उन्होंने दे दिए, मयंक मारकांडे अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंदबाजी की, जो उनका आखिरी ओवर था सिर्फ उसमें 5 रन दिए। लेकिन एक चीज़ है ना, उमेश यादव ठीक है भारत में गेंदबाजी अच्छी की है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर उमेश यादव को पहली बार तो सीरीज में आप अगर ला रहे हो, आप अगर आपकी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ फिक्स में, तो वनडे सीरीज में उमेश यादव को दूसरे टी ट्वेंटी में मौका मिले तो मुझे लगता है खेलेंगे उमेश यादव, मुझे लगता है खेलेंगे, हो सकता है कि सिद्धार्थ कौल को भी मौका दे दिया जाए, लेकिन सिद्धार्थ कौल की वनडे सीरीज में मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कौल को अभी मौका नहीं दिया जाएगा, वो हो सकता है वनडे सीरीज में खेले, क्योंकि उमेश यादव को वनडे सीरीज में नहीं मौका मिला है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि खलील अहमद ने इसे कौन सा गुनाह कर दिया कि उनको बाहर कर दिया, खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर और उमेश यादव से बेहतर बॉलर है, प्लस आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर भी है, यहाँ पर खलील अहमद को आप साफ तौर पर मौका दे सकते थे, आपके पास मौका था, लेकिन आपने वही है कि आप ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, तो हर तरह के खिलाड़ी को आप एक टीम में एकजुट नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि आप बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करते हैं, लेकिन आप देखिए साउथ अफ्रीका से हमको सीखना चाहिए, इतने टॉप 10 रेटिंग्स में आशिम अमला आते हैं, आशिम अमला को ड्रॉप कर दिया साउथ अफ्रीका की सीरीज ने, एक सीरीज उनकी खराब हुई और उनको ड्रॉप कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो ये सारी चीज़ जो है ना ये देखनी पड़ेगी कि आपको जो खिलाड़ी आपके लिए नहीं परफॉर्म कर पा रहा क्यों उसको वर्ल्ड कप से पहले लाना क्यों, अगर उमेश यादव आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आप फिर उनको मौके दीजिए, उनको खिलाइए मैचेस, अगर आपकी प्रायोरिटी में नहीं है दो टी ट्वेंटी में आपने रखा वनडे सीरीज से बाहर किया हुआ, तो ये टी ट्वेंटी फॉर्मेट से आप नहीं देख सकते कोई गेंदबाज क्या बेहतर है क्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह ना होंगे, जसप्रीत बुमराह एक अलग शैली के गेंदबाज, दुनिया के नंबर वन गेंदबाज ऐसे ही नहीं है, तो आपको उमेश यादव को भी सीखने की जरूरत है कि मैं एक सीनियर खिलाड़ी हूँ, मेरे बाद के खिलाड़ी अगर आज नंबर वन बन के बैठे हैं तो मुझे भी अब गेंदबाजी करना सीखना पड़ेगा, अगर मुझे 14 रन नहीं मैं नहीं बचा पा रहा हूँ तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि 19वें ओवर में लगभग काम ढाल दिया था जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया का, 2 रन 2 विकेट 19वें ओवर में, अगर हम देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उमेश यादव को भी थोड़ा सा सीखना। अच्छा दिनेश कार्तिक की कल जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उसके बाद क्या लगता है वनडे टीम से ऐसी बात चल रहा है तो यहाँ पे विजय शंकर को मौका दे देते हैं इस कार्तिक को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जो मैच खत्म हुआ तो उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि विजय शंकर उस टीम में क्यों प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं।
दरअसल मुझे लगता है कि विजय शंकर को पहली बात तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आपकी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स पे है विजय शंकर, तो क्यों आपने विजय शंकर को ड्रॉप किया गया? और अगर आपने यहाँ पर रखा है तो साफ तौर पर भारतीय टीम को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आप जो आपकी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स उस हिसाब से अपनी टीम को प्रिपेयर कीजिए। आप यहाँ पर साफ तौर पर अगर रख रहे हैं दिनेश कार्तिक को आपने जो छोटे रोल्स दिए वो उन्होंने निभाए, लेकिन क्या हर बार आप भी करोगे ना? अगर जो हमारा चेस वाला निकाल हर बार आप अगर चेस पर डिपेंडेंट होंगे तो आपकी जरूरत नहीं है टीम में। दिनेश कार्तिक को जब ड्रॉप किया गया था तो क्रिटिसाइज हमने भी किया, लेकिन दिनेश कार्तिक खुद ये मौका दे रहे हैं कि भैया आपको ड्रॉप क्यों ना किया जाए जब आपकी जरूरत होती है। एक नीदाज ट्रॉफी का फाइनल जिताया आपने, वो भी आपने चेस करने के दौरान जिताया, लेकिन जहां पर भारत को रन बोर्ड पर लगाने होंगे हर मैच में जिम्मेदारी विराट कोहली की नहीं होगी, हर मैच में जिम्मेदारी रोहित शर्मा की नहीं होगी, हर मैच में जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी की नहीं होगी। यहाँ पर आपको खेलना, अगर आप टीम में छह बल्लेबाज खेल रहे हैं तो वो छह बल्लेबाज जो है वो बेहतर क्रिकेट खेलने वाले होने चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने रोल्स को किस तरह से देखना होगा। जो दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती थी सिर्फ पिछले जो 10 पारियां रही हैं जिसमें कल की भी पारी शामिल है, सिर्फ एक मौका आया है जब दिनेश कार्तिक ने 48 रन बनाया है, बाकी समय दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से सुलभ हो रहे हैं। अगर वही रन चेस करने की बात हो तो शानदार तरीके से खेलते हैं, तो देखना होगा कि यहाँ पे दिनेश कार्तिक को मौका मिलता है कि नहीं दोबारा। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आया है हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषभ पंत से जो वहाँ पर वो पारी संभाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से नाकाम हो गया। फिलहाल अभी इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे वेबसाइट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।